अभी हमारे कंप्यूटर में जितने भी फाइल है कोई भी ओपन नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे फोटो है, अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन होने का लायक नहीं। अगर होता तो पहले ही यहाँ पे लोगो आ जाता, बट नहीं आ रहा है। बट अगर हम प्री कार्ट में जाते हैं तो उसको में भी सारा डेटा ऐसा ही दिखा रहा है, मैंने कोई भी डेटा अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका एक ही रीज़न है कि पूरा का पूरा डेटा करप्ट हो चुका है। करप्ट होने का रीज़न क्या है मेन बात, कि आप पैसे पहचान सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो .MOIA करके आ गया है। सारा फाइल में हम जितना भी फाइल है सारा का सारा फाइल में एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं लास्ट में जो .MOI है, हो सकता आपका दूसरा हो, अगर अब हुआ है तो दूसरा होगा, क्योंकि ये हर एक बार नया नया आते रहता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में दिख रहा है तो डेफिनेटली आपका जो पूरा का पूरा यानी पीसी है या लैपटॉप है वो सारा का सारा डेटा जो है वो वायरस से करप्ट हो चुका है। अब उसको रिकवर करना है या तो फिर डिक्रिप्ट करना है। अब मैं आगे बताता हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है वैसे में अगर ऐसा सारा डेटा चला जाए तो सबसे पहले आपको सी ड्राइव को, यानी ऐसा होने का रीज़न यही है ना कि आपने क्रैक फाइल डाउनलोड किया होगा या तो फिर क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा। क्रैक सॉफ्टवेयर करने से ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप गलत वेबसाइट पे जाके अगर कोई और ही वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की बजाय कोई और ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो तो ये चीज़ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। बट इसका उपाय क्या है, तो सबसे पहले आपको जो सी ड्राइव दिख रहा होगा, यहाँ पे जो सी ड्राइव दिख रहा है इसको सबसे पहले रीइंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज को। नहीं तो अगर जो भी डेटा अभी आएगा सारा का सारा करप्ट होते जाएगा, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर के वजह से ये चीज़ ऐसा हो रहा है उसे पहले डिलीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, अगर इंस्टॉल करने के लिए बिना कोई स्विच ऑफ किए हुए अपने आप इंस्टॉल हो जाता है विंडोज, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, लिंक नीचे मिल जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज इजीली ऑटोमेटिक। ठीक, अब मैं यूट्यूब पे देखा कि यूट्यूब पे इसका क्या सॉल्यूशन है, तो यूट्यूब पे पता है क्या सॉल्यूशन मिला हमको, कि वहाँ पे एक EMSI करके सॉफ्टवेयर है, EMSI सॉफ्ट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको से डिक्रिप्ट वो करने के लिए बताता है। बट मैं बता दूं कि इसको से कुछ भी एक भी फाइल डिक्रिप्ट नहीं होगा। ठीक, अब मैं बता दूं ना कि इसका मेन रीज़न क्या है, वो दो अपने वीडियो में दो चीज़ बताते हैं। पहला तो EMSI सॉफ्टवेयर के जरिए वो डिक्रिप्ट करना बताते हैं, और दूसरा बताते हैं कि आप रिकवर कर लो अपना डेटा को, यानी डेटा जो भी डिलीट हुआ होगा कभी ना कभी कुछ कुछ फाइल तो डिलीट हुआ होगा ना, तो वो रिकवर करने के लिए बताता है। अब सारे में जो जो भी वो सॉफ्टवेयर बताता है ना उसको से जो भी डेटा मैंने रिकवर होता है वो इतना ज़्यादा घटिया क्वालिटी होता है, 3.5 KB का, 5 KB का, 10 KB का, जैसे लगता है लोगो डाउनलोड हो रहा है वो भी बहुत कम क्वालिटी का। तो कोई भी फायदा नहीं है वैसे रिकवर करने का। अब मैं कैसे रिकवर किया यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, मैं लैपटॉप लिया था 2016 में, ठीक है, और फिर कोई वजह से मेरा सारा का सारा डेटा फॉर्मेट हो गया 2020 में। ठीक है, अब उसके बाद 2022 तक फिर पूरा डेटा करप्ट हो गया। अब पूरा डेटा जब हम करप्ट हो गया तो वो तो रिकवर होगा नहीं, अगर हम पूरा डेटा जो करप्ट है अभी वायरस से अगर उसको हम डिलीट कर देते हैं फिर उसको हम रिकवर करने की कोशिश भी करेंगे तो वो तो करप्ट ही रिकवर होगा। तो हम क्या किए ना कि जो 2020 में मेरा डेटा डिलीट हुआ था तो वो उसको अब हम रिकवर किए। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि कभी भी कुछ कुछ डेटा तो डिलीट हुआ होगा वो सब आप रिकवर कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे मत जाना भाई, कि मतलब वो चैनल तो बता देता है डिक्रिप्ट करके, उसका भी राज मैं बता देता हूँ। एक यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर डिक्रिप्टर, ये देख सकते हो बगल में आपको दिख रहा होगा, तो इसके चैनल पे जेन्युइन वो रहता है कि हाँ इसके चैनल पे अगर आपको कोड और वो डिक्रिप्ट करने का सॉफ्टवेयर अगर ये चैनल प्रोवाइड कर देता है तो डिक्रिप्ट हो जाएगा, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि हम भी इसको से कांटेक्ट करने की कोशिश की है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप ये देख सकते हो मैसेज बोला कि $150 अगर देगा तो मैं तुमको सॉफ्टवेयर और वो एक्टिवेशन कोड जिसको से सही होगा वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या किया नहीं है कि आप ये देख सकते हो मेरे पास अभी है फ़िलहाल में, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास दो है पेन ड्राइव,
अब एक में मैं क्या किया ना कि पूरा जो करप्ट डेटा था उसको रख लिया। 128 GB का पेन ड्राइव है, आप अपने डेटे के हिसाब से खरीद सकते हो। जो सारा डेटा करप्ट था उसको मैंने एक पेन ड्राइव में रखा, और दूसरा पेन ड्राइव में जो जो अच्छा डेटा मैंने रिकवर किया 2020 वाला, तो उसको मैंने इसको में रख लिया। अब कुछ भी होता है हम बैकअप करके इसको में रख लेते हैं। अब मैं भी हम इसको में करप्ट डेटा इसीलिए रखे हैं क्योंकि हो सकता है आने वाले दिन में, हो सकता है कुछ 4-5 महीने बाद या तो फिर 1 साल बाद हम फिर से इसको ट्राई कर सके और हो सकता है रिकवर कर सके, या तो पैसे देकर या तो वैसे भी, तो वो आपके ऊपर है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इसी तरीके अपनाना, पेन ड्राइव में रख लो, उसके बाद सारा डेटा को डिलीट डेटा को रिकवर करो। अब आपको रिकवर करने के लिए क्या करना है वो सब बिल्कुल भी मत अपनाना वो जो सॉफ्टवेयर बताता है। मैं बताता हूँ, एक मैं वीडियो बनाया था आज से 2 साल पहले, वही वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे इमेज उसका दिख रहा होगा कि कैसा लोगो है वो वाला। उसका नाम है आई केयर डेटा रिकवरी, वो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने दो दो डेटा रिकवरी ट्राई किया था, एक तो था आई केयर डेटा रिकवरी, दूसरा था स्टेलर डेटा रिकवरी। तो आई केयर से ही मेरा अच्छा खासा रिकवर हो गया पूरा का पूरा फाइल। ये आप देख, ये मेरा डेटा है जो मैंने 2020 में रिकवर किया था इसको, और वो पूरा का पूरा करप्ट डेटा है अभी भी। 2021 तक 22 तक मैंने इसी को यूज किया है और वो सारा का सारा करप्ट है। ये आप देख सकते हो .mo एक्सटेंशन लगा हुआ है, मोया एक्सटेंशन। तो अब मैं इसका फाइल साइज़ दिखाता हूँ कि फाइल साइज़ कितना है। 2016 से लेकर 2022 तक इसका फाइल साइज़ टोटल हो चुका था 60 GB। अब मैं चलता हूँ जो कि मैं रिकवर किया हूँ, फिर से 2020 वाला ही मैं रिकवर किया, तो वो आप देख सकते हो 39 GB के लगभग है, जो 2020 से 22 के बीच में था। वो 20 GB और मैंने स्टोर किया था, तो वो तो रिकवर हुआ नहीं क्योंकि वो तो फाइल डिलीट नहीं हुआ। और ये देख सकते हो सारा का सारा ओपन हो रहा है, और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है भाई। अगर आप पैसा दे सकते हो तो आप परचेज कर लो, देन अच्छा रहेगा।